वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और अब बारी है आज के प्रोजेक्ट की, जिसे देखने के लिए हम आपको लिए चलते हैं मुंबई के बाहरी सबर्ब विरार की ओर। विरार पिछले कुछ सालों में अफोर्डेबल सेगमेंट का एक काफ़ी बड़ा प्रॉपर्टी मार्केट बन चुका है और आज जिस प्रोजेक्ट को हम देख रहे हैं वो यहीं विरार में है और इस प्रोजेक्ट का नाम है रुस्तमजी ग्लोबल सिटी। ग्लोबल सिटी वैसे तो 200 एकड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन आज हम जिस प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहे हैं वो रुस्तमजी ग्लोबल सिटी के अंदर है। इस प्रोजेक्ट का नाम है एवेन्यू D1। तो चलिए देखते हैं कैसा है एवेन्यू D1। रुस्तम जी, ग्लोबल सिटी की बात करें उससे पहले बात करते हैं विरार की। मुंबई से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद विरार कई मामलों में खास है। जैसे कनेक्टिविटी की बात करें तो विरार वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के जरिए मुंबई समेत कई पश्चिमी सबर्ब से जुड़ा हुआ है। तो इन्हीं इलाकों के लिए मुंबई लोकल के जरिए भी काफी अच्छी कनेक्टिविटी है। इतना ही नहीं, विरार का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी बेहतर है, जिसकी वजह से विरार रियल एस्टेट डेवलपर्स की पसंद बन चुका है और बीते कई सालों से यहां अफोर्डेबल सेगमेंट का रियल एस्टेट मार्केट काफी अच्छी तरह फल फूल रहा है। विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर है, वहां से शुरू होता है। विरार का इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। वहां पे स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, कॉलेजेस है, शॉपिंग सेंटर्स है और वहां की खुद की एक इंडस्ट्री है जो वसई विरार इंडस्ट्रियल बेल्ट है। तो इस कारण वहाँ पे डिमांड भी है और मूलभूत सुविधा जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी अवेलेबल है। आज हम बात कर रहे हैं विरार में बन रहे टाउनशिप प्रोजेक्ट ग्लोबल सिटी की। इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं मुंबई के डेवलपर रुस्तम जी। मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में रुस्तम जी का नाम लग्जरी और भरोसेमंद डेवलपर के तौर पर लिया जाता है। रुस्तम जी के नाम से मशहूर कीस्टोन रियल्टर्स की शुरुआत 1996 में हुई। तब से अब तक कंपनी ने MMR रीजन में अलग अलग 1 करोड़ वर्ग फीट से भी ज्यादा का एरिया कंस्ट्रक्शन किया है और अब तक कंपनी ने करीब 80 लाख वर्ग फीट एरिया डिलीवर भी किया है, जिसमें बीते 5 सालों में करीब 8,500 घरों का पोजीशन दिया गया है। इतना ही नहीं, कंपनी भविष्य के लिए काफी मजबूत प्लानिंग लेकर चल रही है। अगले 5 सालों में कंपनी करीब 1,30,00,000 स्क्वायर फीट की योजनाओं पर काम कर रही है। हम जो पूरा सेगमेंट है फ्रॉम अफोर्डेबल टू लग्जरी, वो सब सेगमेंट पे वी आर प्रेजेंट और अफोर्डेबल सेगमेंट इज वेरी डियर टू अस। यानी हम ये स्पेस में हमारे पास उसकी काबिलियत है, उसकी एबिलिटी है और हम ये स्पेस में जैसे विरार जैसे लोकेशन में और प्रोजेक्ट्स करेंगे इन द फ्यूचर। अब बात ग्लोबल सिटी विरार की। ग्लोबल सिटी करीब 200 एकड़ की सेल्फ सस्टेनेबल टाउनशिप है, जहां स्कूल, पार्क, रिटेल स्पेस जैसी सुविधाएं हैं। आज हमने फोकस किया है ग्लोबल सिटी के रिहायशी हिस्से एवेन्यू D1 पर। एवेन्यू D1 को करीब 2.5 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में कुल 4 टावर्स हैं जिन्हें 14 मंजिल तक बनाया जाना है। एवेन्यू D1 में 1 और 2 बेडरूम के 468 फ्लैट बनाए जाने हैं। कंपनी ने ग्लोबल सिटी में बन रहे कुछ घरों के लिए फेमस फर्नीचर कंपनी IKEA के साथ करार किया है, जिसके तहत IKEA यहां बनने वाले घरों को पूरी तरह से फर्निश्ड करेगी। हम बहुत सारा मार्केट रिसर्च करते हैं, हमारे कस्टमर कैसे रहते हैं, वो कौन सी सुविधा यूज करते हैं, फ्लैट में उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो इस तरह से हमने सोचा कि क्यों ना उनको फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट्स दे। और
जब भी IKEA लॉन्च हुआ इंडिया में, तभी हमें ये कॉन्फिडेंस आया कि ये फर्नीचर हम क्यों ना IKEA से लें। तो इसीलिए हमने एक पहल की IKEA के साथ टाइप करने के लिए। एवेन्यू D1 में कई तरह की एमिनिटीज प्लान की गई हैं, मसलन क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, नेट क्रिकेट, बास्केटबॉल, किड्स प्ले एरिया के साथ ढेरों इंडोर आउटडोर गेम्स। रुस्तमजी ग्लोबल सिटी एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। इन फीचर्स के साथ ही कंपनी ने यहां बन रहे घरों की कीमत 34 से 42 लाख रुपए तक रखी है। इसके साथ टैक्स आपको अलग से देने होंगे। ग्लोबल सिटी D1 के अलावा L1 पर भी काम कर रही है। मौजूदा फेज में कंपनी करीब 1200 घर बना रही है, जिससे करीब 500 करोड़ का रेवेन्यू जुटाने की कोशिश की जा रही है। किसी भी लोकेशन में आपको जो भी सुविधा चाहिए आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, भले वो एंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल, ग्रीन स्पेसेस, ये सब चीजें हमने विरार में रखी है। 2016 में शुरू हुआ ग्लोबल सिटी का एवेन्यू D1 फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो महाराष्ट्र रेरा में रजिस्टर्ड है। महाराष्ट्र रेरा के अनुसार 2020 के अंत तक इस प्रोजेक्ट के डिलीवर होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट में एक बात समझने वाली है कि यहाँ जितने भी घरों की पार्टनरशिप IKEA के साथ की गई है, यहाँ पर मिलने वाले घर आपको IKEA फर्निश्ड ही मिलेंगे। यानी अगर आप ये सोचते हैं कि हम फर्निश्ड घर नहीं लेंगे और उसके बदले आपको कोई डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी जो भी घर आपको मिलेंगे वो IKEA फर्निश्ड ही मिलेंगे। दूसरी चीज, विरार तो कई मामलों में अच्छा है, लेकिन पानी को लेकर अक्सर विरार में दिक्कतें रहती हैं। यहाँ के ज्यादातर प्रोजेक्ट नगर पालिका के पानी के भरोसे ही हैं। हालांकि वाटर लाइन का काम भी काफी तेजी से चल रहा है। तो यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे आज के सवाल जवाब पर। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ शामिल होंगे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रदीप मिश्रा। छोटे से ब्रेक के बाद।